नमस्कार दोस्तों, आपका स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों मदद करने के लिए मैं लेकर आया हूं एमपी स्पोर्ट्स सीरीज का नेक्स्ट ऑसम लेक्चर। दोस्तों, हालांकि प्रीलिम्स के एग्जाम में टाइम काफी कम बचा है, लेकिन मैं अपने सारे व्यूअर्स और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जितना भी समय बचा हुआ है वो काफी है आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए हड़बड़ाहट में या टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके आपको अपना ये जो बहुमूल्य समय है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको आपको प्रिसाइजली यूज करना है, ठीक है। और मैं भी आपकी समय टू समय आपकी मदद करता रहूंगा दोस्तों। तो जो हम लोग आज बात कर रहे थे, जो आज हम बात करेंगे वो है एमपी के जो स्पोर्ट अवार्ड होते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर अवार्ड, जैसे विक्रम अवार्ड है तो उसका प्राइज मनी क्या है, या फिर एकलव्य अवार्ड है तो उसका प्राइज मनी क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड है तो वो किसको दिया जाता है, विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। आप एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर से, ठीक है। और ये स्पेशली आपको प्रीलिम्स के ही एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा ये लेक्चर। इसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंट का पोर्शन, जैसे कि 2018 में जो ये प्राइज दिए गए थे एमपी स्टेट के जो स्पोर्ट अवार्ड हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, ये जो लेक्चर है और ये जो पूरी सीरीज है वो एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स को दिमाग में या ध्यान में रख के की गई है, ठीक है। और ये आपको स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करेगी। उसके अलावा कोई और ऐसा एस्पायरेंट जो एमपी गवर्नमेंट के लिए, एमपी गवर्नमेंट का कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी इन लेक्चर्स को देख सकता है, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है वो इसी हिसाब से डिजाइन की गई है। दोस्तों, इस स्लाइड पर आप देख सकते हो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या है, GS1 का जो सिलेबस है वो क्या है। तो एक मिनट के लिए ये लेक्चर को यहां पे पॉज करो और एक बार सिलेबस को देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा आपको और क्या पढ़ना है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पर, ये जो व्हाइट कलर में मेंशन है, इस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। यहां पे इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं अभी तक की जो एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की सीरीज है उसमें मैंने किस टॉपिक पर कितने लेक्चर अपलोड किए हैं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कंसर्न, वो हमारे एमपी स्पोर्ट सीरीज का ये लेक्चर है, और इस सीरीज में मैं अभी तक 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। दिस वन इज गोइंग टू बी दी 6th वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं सीरीज में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेक्चर में हमने जनरल स्पोर्ट सिनेरियो के बारे में जाना था, जो एमपी का स्पोर्ट सिनेरियो है, कि मतलब एमपी में क्या क्या चीजें हैं, कितनी एकेडमीज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात की थी। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों बात की थी जो एमपी में डिफरेंट स्पोर्ट्स की अकेडमी है उनकी लोकेशन जानी थी स्पेशली, तो ये जो डिफरेंट अकेडमीज है उनकी लोकेशन। उसके अलावा हम लोगों ने इस लेक्चर में हमने देखा था कि जो ये अकेडमी है यहाँ पे कौन चीफ कोच है, ये जो कोच वगैरह होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एक आपको नाम दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मदन लाल, तो ये पूछ लिया जाएगा जो मदन लाल है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई जो बैडमिंटन अकेडमी है उसके चीफ कोच का नाम क्या है, तो ये वाला लेक्चर हमने देखा था। उसके अलावा जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी एमपी में जो बहुत ज्यादा मशहूर स्पोर्ट स्टेडियम है या फिर इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट के इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो इसमें से भी डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों बात की थी एमपी में जो अभी करेंट के टाइम में, जो प्रेजेंट के टाइम में जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका स्पोर्ट्स में काफी नाम हो रहा है, जो काफी पदक वगैरह यानी मेडल्स वगैरह जीत रहे हैं, उनके बारे में जाना था, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर नाम आ जाएगा तो वो पूछ लिया जाएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है ना, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो फिफ्थ वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी एमपी जो हमारा स्टेट है उसमें कौन सी स्पोर्ट स्कीम चलाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएम कप हो गया या विधायक कप हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये कप वगैरह जो है वो किस टाइप के स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, और ये जो स्कीम्स हैं वो कब स्टार्ट की गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग डेट के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इसी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो एमपी में स्कॉलरशिप दी जाती है वो कितनी दी जाती है जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको, और इसके अलावा इस फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्किल डेवलपमेंट की कुछ मैकेनिज्म जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक बार रिवीजन कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं।
तो दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ हेड्स अप देना चाहता हूं, मतलब कुछ न्यूज शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, जो मॉक टेस्ट सीरीज के पेपर थे और उनके जो आंसर्स थे वो मैंने इंस्टा मोजो पे अपलोड कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज के पेपर को डाउनलोड किया होगा मॉक टेस्ट सीरीज के, वो इन आंसर को देखकर अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत ही जल्द मैं डिस्कशन रखूंगा, तब हम इन सारे पेपर को डिस्कस करेंगे जितने भी लोगों ने ये टेस्ट सीरीज को अटेंड किया था। इज इट क्लियर? सेकेंड चीज, आप लोगों को जो करंट अफेयर्स के लिए मेरे ऊपर कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर करंट अफेयर की सीरीज में आपने कोई अपडेट नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर की जो सीरीज है उस पर भी जल्दी मैं अपडेट करूंगा और बहुत ही लगातार उसके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे, तो इस तरीके से आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अभी ये जैसे आपको बताया अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो जब अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो जो मैं फीस चार्ज कर रहा था, ठीक है, आप लोगों से, एक तो वो भी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, वो इंक्रीज करने का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, तो इस पायरेसी को रोकने के लिए मैं कोई एक हायर्ड टाइप के प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं, तो इसीलिए अब जितने भी नए लोग हैं बस उन्हीं से ज्यादा फीस ली जाएगी, जो पुराने लोग हैं उनसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। उनके लिए जो फीस थी वही रहेगी सेम एज इट इज। तो ये तीन चार अपडेट मुझे आपको देने थे, अब हम आगे चलते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आपको पता है मुझसे या तो आप मुझे कॉल करके मुझसे अपनी क्वेरी वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड यानी कोई गाइडेंस लेना हो कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मुझे ये दिक्कत आ रही है पढ़ने में, ये कोई भी इशू हो, तो आप या तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? प्लस मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूं, प्लीज आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं बता रहा हूं आपका प्रीलिम्स में होने से कोई नहीं रोक सकता, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर अपने हार्डवर्क के ऊपर ट्रस्ट कीजिए जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं। प्लस मेरी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकेगा वो मैं आपको करता रहूंगा, दैट इज माई गारंटी। अभी जैसे मैंने 7 पेपर डिजाइन कर लिए, 8वां टेस्ट पेपर मैं अभी बना रहा हूं, और अभी 2 टेस्ट पेपर डेडिकेटेडली मैं एमपी के ही ऊपर बनाऊंगा, तो हमारे जो तैयारी होती है उसकी भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ। Is it clear to everyone? अब चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी के स्पोर्ट अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एकलव्य अवार्ड के बारे में। जो एकलव्य अवार्ड था वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था 1994 में, तो सबसे पहले तो ये डेट याद रख लो, 1994 में हुआ था। अब ये जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? जूनियर प्लेयर्स को। जूनियर प्लेयर यानी जो 19 साल से कम के प्लेयर हैं उनको दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से हो सकते हैं वो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, किसी से भी हो सकते हैं। क्यों दिया जाता है? सो दैट उन्हें मोटिवेट किया जा सके। अच्छा, अगर इसके लिए कोई भी प्लेयर एलिजिबल होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया है? ऐसे भी किसी भी प्लेयर को एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए उसके पास, स्पोर्ट्स में वो एक्टिव होना चाहिए पिछले 5 सालों में, और उसके अलावा उसने किसी भी स्टेट या नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो फॉर कम से कम 2 सालों के लिए, या तो स्टेट स्पोर्ट्स में या फिर नेशनल इवेंट्स में, और कोई ना कोई ट्रॉफी जीती हो, किसी भी किस्म की ट्रॉफी जीती हो, चाहे सोलो जीती हो या फिर ग्रुप में ट्रॉफी जीती हो। हर साल इस प्राइस के तहत मैक्सिमम 10 प्लेयर को अवार्ड दिया जाता है। देखो एक और बात बता दूं, 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं ये, क्योंकि 2018 में ये 10 से ज्यादा लोगों को दिया गया है। उसके अलावा इसमें प्राइज मनी, याद रखना प्राइज मनी कितना है, 50,000। क्योंकि देखिए मैं अलग अलग बुक को रेफर कर रहा था, वहां पे अलग अलग वैल्यू है, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर श्योर ये 50,000 रुपीज है। इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, टाई, ब्लेजर और शील्ड दी जाती है। तो क्या क्या बातें याद रखोगे इस लेक्चर, इस वाली स्लाइड से? सबसे पहली बार एकलव्य अवार्ड कब शुरू हुआ? 1994 में। किसको दिया जाता है? जूनियर प्लेयर जिनकी उम्र 19 साल से कम है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, एमपी का डोमिसाइल। उसके अलावा पिछले 5 सालों में आपको स्पोर्ट में एक्टिव होना है, और कम से कम आपने 2 सालों तक स्टेट स्पोर्ट्स में या फिर नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो और एक ट्रॉफी जीती हो, तब जाके आप एलिजिबल होते हो, तब जाके आपको हो सकता है कि एकलव्य अवार्ड दिया जाए। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं स्पोर्ट पर्सनैलिटी जो 2018 में एकलव्य अवार्ड जिनको मिला है, ऐसी पर्सनैलिटी जिनको स्पोर्ट अवार्ड मिला है, एकलव्य अवार्ड मिला है। तो देखिए 15 के 15 नाम है, तो वो तो याद नहीं रह पाएंगे, पर कोशिश करना इस लेक्चर को 3-4 बार देख लो तो अपने आप स्टिक हो जाएगा दिमाग में। उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पर्टिकुलर नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल श्रेया अग्रवाल, अब ये पूछ लिया जाएगा श्रेया अग्रवाल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि एक एक करके याद करते हैं, कोशिश करेंगे याद रखने की। अद्वैत पेज, ये स्विमिंग से रिलेटेड है। आध्या तिवारी, ये सॉफ्ट टेनिस से रिलेटेड है। जानवी श्रीवास्तव, ये कायाकिंग या कनोइंग से रिलेटेड है। श्रेया अग्रवाल शूटिंग करती हैं ये। मुस्कान केरार, ये आर्चरी करती हैं।
नाओरेम अनीता देवी ये साइकिलिंग करती हैं, उसके अलावा राजू सिंह भदौरिया ये एक्वेस्टेरियन यानी घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं नम्रता बत्रा ये वुशु यानी एक ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है वो करती हैं, ठीक है, नम्रता बत्रा। उसके अलावा उमा चौहान ये सेलिंग करती है वाटर स्पोर्ट, ठीक है, उमा चौहान सेलिंग करती हैं। निशा ताइडे फेंसिंग गेम खेलती हैं। ध्रुवा मुद्रेस ये सॉफ्टबॉल खेलती हैं, ध्रुवा मुद्रेस, ठीक है। उसके अलावा नीरज राणा ये वुमेन्स हॉकी से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से नीरज नहीं होना चाहिए था, नीरजा होना चाहिए था, बट वॉट एवर इट इज। विवेक सागर प्रसाद ये मेन्स हॉकी से एसोसिएटेड हैं, आकाश नैनीबाल ये कबड्डी से रिलेटेड हैं, और परितेश पाल ये पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। अब कुछ को देखिए आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक्स बना लेना, फॉर एग्जाम्पल एक बात देता हूँ, श्रेया अग्रवाल शूटिंग से हैं, ठीक है, या मुस्कान किरार आर्चरी से। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, आर्चरी मतलब आपका निशाना लग गया तो आप खुश हो गए, तो मुस्कान यानी आर्चरी। नाओरेम अनीता देवी साइकिलिंग, बस ये याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि आप अपनी खुद की ट्रिक डेवलप कर लेना, ये मत सोचना कि मैं किसी का नाम बिगाड़ रहा हूँ। नाओरेम रेम यानी रिम, इससे रिम किस में होती है, रिम होती है साइकिल में, तो साइकिलिंग, तो नाओरेम अनीता देवी साइकिलिंग से हैं। या राजू सिंह भदौरिया यानी भगौड़िया, जो भगौड़ा होता है, भगौड़ा क्या यानी घुड़सवारी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको मतलब कोई ना कोई ट्रिक बनानी होगी ताकि आप इनको याद कर सको, कोई अच्छी ट्रिक बनाओ तो मेरे साथ भी शेयर करना, ठीक है। और स्पेशली ये 2018 के ये नाम है तो इसलिए आपको इनके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, ये आ जाएगा कि क्या कहते हैं नीरजा राणा किससे रिलेटेड है वुमेन्स हॉकी, विवेक सागर प्रसाद किससे रिलेटेड है मेन्स हॉकी से, आकाश नैनीवाल कबड्डी, परितेश पाल पावर लिफ्टिंग। तो ये हो गया हमारा एकलव अवार्ड 2018 के सारे नाम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विक्रम अवार्ड, ये कब से दिया जाता है, 1990 से दिया जा रहा है। कब से 1990, किसको दिया जाता है, सीनियर प्लेयर को, जूनियर प्लेयर के लिए एकलव हो गया और सीनियर प्लेयर के लिए विक्रम अवार्ड हो गया, ठीक है। और जिनकी उम्र 19 साल से ज्यादा हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जो एकलव अवार्ड के लिए वही इसके लिए भी सेम है। मतलब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, पिछले 5 सालों के लिए आप स्पोर्ट में एक्टिव होने चाहिए, और पिछले कम से कम 2 सालों के लिए या तो आपने स्टेट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया हो या फिर नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, और कम से कम एक ट्रॉफी जीती हो। यह है क्राइटेरिया सीनियर प्लेयर्स के लिए। इसमें प्राइज मनी दिया जाता है 1,00,000 रुपए। कैसे याद रखोगे, एक क्लब छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों के लिए कम रुपए दिए जाएंगे यानी 50,000, विक्रम बड़े लोगों के लिए तो इसके लिए 1,00,000। अब और कैसे याद रखोगे, एक क्लब एक शिष्य था, शिष्य यानी छोटा बच्चा था, तो यानी ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी होगी, विक्रम इतना बड़ा महाराजा था, तो यानी ये सीनियर प्लेयर को दिया जाता है, इस तरीके से याद कर लेना। 1,00,000 रुपए, लाख और ब्लेजर टाई और शील्ड दी जाती है। क्लियर हो गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये कितने लोगों को दिया गया, 2018 में ये 10 लोगों को दिया गया। इनके नाम याद करो और इनके किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं वो याद करो, पूरी के पूरे 10 नाम तो याद नहीं हो पाएंगे, तो इनके स्पोर्ट जरूर याद करने की जरूरत है। जैसे कि हर्षिता तोमर सेलिंग यानी वाटर स्पोर्ट, हर्षिता तोमर यानी शेलिंग। उसके अलावा वीरेंद्र बाथम ये कायाकिंग या कनोइंग, प्रणय खरे इक्वेस्टेरियन, तो अनम बासित शूटिंग, कीर्ति चांदनी सॉफ्ट टेनिस, रुक्मणी रोइंग, जूही झा इंदौर, पूज बस्त्राकर शेडोल क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, पूज बस्त्राकर ये क्रिकेट से रिलेटेड है, भीम सोनकर पावर लिफ्टिंग से, और सोनू गोलकर ये डिसेबल्ड कैटेगरी से और क्रिकेट से रिलेटेड है, सोनू गोलकर। अब इनको कैसे याद करोगे, गोलकर यानी बॉल आ गई इसमें, अब ये बॉल दो ही चीजों में मतलब जो दिमाग में आता है, या तो क्रिकेट या फुटबॉल, तो सोनू गोलकर यानी क्रिकेट, तो इससे याद रख लेना, ठीक है, सोनू क्रिकेट से हैं। भीम तो नाम ही ऐसे ताकत वाला हो गया, तो यानी पावर लिफ्टिंग से याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा और मतलब अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक बना लेना जिससे आप इनको याद कर सको, बस मैं इतनी बात आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला अवार्ड है विश्वामित्र अवार्ड। कौन सा, विश्वामित्र। अब नाम जो विश्वामित्र हैं वो बहुत बड़े गुरु, बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी थे, तो यानी किसको दिया जाएगा, कोचेस को। कब से दिया जा रहा है, 1994 से, यानी जब से एकलव्य आया, मतलब जब से शिष्य आएगा तभी से तो विश्वामित्र आएंगे, मतलब तभी तो गुरुजी आएंगे, तो जब शिष्य होगा तभी गुरुजी होंगे, तो यानी 1994 डेट याद हो गई। कोचेस को दिया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने ऐसे प्लेयरों को ट्रेन किया हो जिन्होंने कम से कम या तो 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल या 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हो, या लगा हुआ है
मतलब या तो ये कंडीशन मेट हो या ये या फिर ये, तो ऐसा कोई भी कोच जिसके ट्रेंड प्लेयर या तो 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए पिछले 5 सालों के अंदर अंदर, या तो किसी नेशनल इवेंट में या किसी इंटरनेशनल इवेंट में। इसमें जो प्राइज बनी है वो है 1 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख। गुरुजी को तो ज्यादा रुपए दिए जाएंगे तो इसीलिए 1 लाख रुपए। ब्लेजर, टाई और शील्ड, ठीक है। देखिए जितना, वैसे तो देखिए हर प्राइज कोई ना कोई प्लेयर लेके आता है, ठीक है, लेकिन जितना प्लेयर का योगदान होता है उतना ही किसी के भी प्लेयर की अचीवमेंट में, सक्सेस में उसके गुरुज का बहुत ज्यादा योगदान होता है, इसीलिए उसको भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है और इसीलिए ये विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। तो इसीलिए हेड्स ऑफ टू ऑल दी कोचेज और दी ट्रेनर्स जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इस जो विश्वामित्र अवार्ड 2018 में किनको दिया गया। ये 3 नाम हैं। देखिए जो भी चीज कम होती है उसके आने की संभावना ज्यादा होती है, तो ये 3 नाम तो बिल्कुल दिमाग में रट जाने चाहिए और इनके स्पोर्ट्स भी याद हो जाने चाहिए। जैसे कि विनोद मिश्रा, ये कायाकिंग करवाते हैं, कनोइंग और कायाकिंग एक तरीके से, ये जो वो आप ये जो पतली वाली आपने वोट देखी होगी ना, उसको चलाने वाले गेम को बोलते हैं कायाकिंग या कनोइंग। तो विनोद मिश्रा जी जो है वो कायाकिंग या कनोइंग से रिलेटेड है। श्री मुत्तम एवोमचा सिंह, ये साइकिलिंग से रिलेटेड हैं, एवोमचा सिंह, ठीक है, श्री मुत्तम एवोमचा सिंह ये साइकिलिंग सिखाते हैं। और घनश्याम चौधरी ये कबड्डी सिखाते हैं। घनश्याम चौधरी, चौधरी लोग तो कबड्डी करते हैं, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं बना रहा हूं, बस याद करवाने की कोशिश। तो ये कबड्डी से तो याद हो गया, घनश्याम चौधरी यानी चौधरी यानी कबड्डी। एवोमचा, एवोमचा बच्चा, बच्चा को कैसे लेके जाते हो स्कूल, बच्चे को स्कूल लेके जाते हो साइकिल के ऊपर, तो बच्चा स्कूल। तो मुत्तम एवोमचा सिंह साइकिलिंग याद रख लेना, विनोद मिश्रा कायाकिंग और कनोइंग, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, विन यानी विम बार, विम बार को किसमें यूज करते हो, यानी विम बार एक साबुन होता है, साबुन से कपड़े वगैरह धोते हो यानी पानी, वाटर, तो वाटर से याद हो जाएगा कायाकिंग या कनोइंग, ठीक है। तो यानी ये किससे, स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड है, तो विनोद मिश्रा ये हो गए। इस तरीके से आपको ये 3 नाम याद रख लेने हैं। अब आगे चलते हैं, स्पेशल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं कुछ एमपी में, जैसे कि जो भी प्लेयर इंटरनेशनल मेडल विनर होते हैं, जिन भी प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्राइज जीत के आते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को, उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करती है और ऑनर करती है, तो स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं एमपी में कुछ। अब बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसे कुछ प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन किया हो, मतलब जिन्हें एकदम अद्भुत, एकदम अनोखी है टाइप का कोई काम किया हो, और इसका प्राइस मनी कितना है, 1 लाख रुपए। तो इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके अद्भुतनीय काम के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में किसको दिया गया, तो ये दिया गया था सुधीर वर्मा को। सुधीर वर्मा जी जो हैं उनको दिया गया था क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इनको ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। कैसे याद रहेगा, अब ये इसकी कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो सुधीर वर्मा बैडमिंटन, सुधीर वर्मा अभी तो कोई क्लिक नहीं कर रहा है, याद आता है तो मैं बताता हूं, बाकी अभी याद रख लेना कि 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, सुधीर वर्मा को, और ये बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रवास जोशी अवार्ड। प्रवास जोशी अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो एमपी का स्टेट स्पोर्ट है यानी मालखंब, उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। किसके लिए, मालखंब के लिए, मालखंब के लिए ये दिया जाता है प्रवास जोशी अवार्ड। प्रवास जोशी अवार्ड मालखंब के लिए दिया जाता है, याद रखना। ये जो है सबसे पहली बार ये अवार्ड किसको मिला था, अजय बख्तारिया, याद रख लेना। ये किसको दिया गया था, अजय बख्तारिया को दिया गया था। अजय बख्तारिया को ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था उनका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इन मालखंब के लिए। अच्छा, इसमें मैंने प्राइज मनी इंक्लूड नहीं की, आप लोग ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्रवास जोशी जो अवार्ड होता है उसकी प्राइज मनी क्या है, वॉट इज द प्राइज मनी फॉर द प्रवास जोशी अवार्ड, इज इट क्लियर। और 2018 में ये प्रवास जोशी अवार्ड किसको दिया गया, ये 2 चीजें मैंने कवर नहीं की, ये दोनों आपको मुझे बताना है। प्लीज आप लोग ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसमें पार्टिसिपेट करो, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपके एग्जाम में होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। सो प्लीज माइंड माय वर्ड, माइंड माय सजेशन। अब बात करते हैं होलकर ट्रॉफी के बारे में। होलकर ट्रॉफी जो है वो पहली बात तो ये याद रखना किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है ब्रिज, ब्रिज एक स्पोर्ट होता है उससे एसोसिएटेड है होलकर ट्रॉफी। नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप हुई थी बींग हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया 5 से 8 जनवरी एट इंदौर, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया 5th ब्रिज, ये पुराना डेटा है,
पुराना जो नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप हुई थी अंडर द एजेस ऑफ दिस, ये पुराना डेटा है। आप ये बताना इस बार का जो नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप का ये जो हुआ था चैंपियनशिप, ये कब हुआ था ये आप मुझे बताना, ठीक है? बस ये याद रखना, होलकर ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? ब्रिज से एसोसिएटेड है। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताना था, जो मैं आपको प्राइज मनी वगैरह बता रहा था ना, तो आपके पास जो भी बुक होगी आपके पास अलग अलग डेटा होंगे, इसी चीज को मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, ये देखिए विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पहले अमाउंट था 50,000, जिसको बढ़ा के 1,00,000 कर दिया गया था। और सिमिलरली इक्लब अवार्ड का पहले अमाउंट था 25,000, जिसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया था। ये 2011 में किया गया था। तो प्लीज अगर आप लोग और कोई बुक रेफर कर रहे हो, आप किसी और टीचर के पास जाके पढ़ते हो, तो प्लीज इस बात को माइंड करना। मैं बस किसी को गलत नहीं ठहराना चाहता हूं, पर बस ये बताना चाहता हूं कि आप लोग इतने ज्यादा होशियार रहे कि आप, मतलब जो मुझसे पढ़ रहा है, मैं बस इतना चाहता हूं उसका प्रिलिम्स में सिलेक्शन होना चाहिए। दैट इज माई एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑल टूगेदर, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 2018 में जो अवार्ड दिए गए थे, यानी शिखर खेल अलंकार अवार्ड, शिखर खेल अलंकार अवार्ड जो 2018 में दिए गए उनके बारे में। तो जो एमपी की गवर्नमेंट है और जो डिपार्टमेंट है उसने खेल अलंकार अवार्ड देते हैं हर साल, सो दैट जो आउटस्टैंडिंग अचीवर्स या यंग परफॉर्मर्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको अवार्ड दिया जा सके, ठीक है? और उसके अलावा जो यंग टैलेंट है उनको इनकरेज करने के साथ साथ जो उनके छोटे भाई बहन हैं उनको इंस्पायर किया जा सके कि वो भी आएं और स्पोर्ट्स वगैरह खेलें। ये जो अवार्ड वगैरह दिए गए हैं ये इनके लिए कोई एक क्राइटेरिया प्रोसेस होती है, जिसके मतलब एक कोई क्राइटेरिया है जिसको थॉटफुली फ्रेम किया गया है, ये बात याद रखना, ठीक है? अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये 2018 का ही फोटो है, आप यहां पे देख सकते हैं जिन जिनको ये अवार्ड मिले हैं, आप यहां पे इनको देख सकते हो। अच्छा, इस जब ये इनॉग्रेट मतलब 2018 ये इवेंट हो रहा था, उस टाइम पे जो हमारी स्पोर्ट मिनिस्टर है एमपी की, आप लोग जानते होंगे उनका नाम यशोधरा राजे सिंधिया है, तो वो वहां पे थी और उन्होंने ये लाइन लिखी थी, सक्सेस बिकम्स सर्टेन व्हेन नेगेटिविटी इज टर्न्ड इनटू डिटर्मिनेशन। मतलब आपकी सक्सेस बिल्कुल तब जाके इंश्योर हो जाती है, गारंटीड हो जाती है, जब जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो खत्म होके वो बदल जाती है डिटर्मिनेशन में। तो ये जो कोट है वो काफी अच्छा था, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है और ये बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ये आप अपने भी दिमाग में रखो। हो सकता है आपने इससे पहले 1 बार 2 बार 10 बार प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा, या हो सकता है आप पहली बार दे रहे होंगे, आपको डर भी लग रहा होगा, यार मेरा तो नहीं होगा, इतनी बार नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सक्सेस तभी जाके सर्टेन होगी जब आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो हटके एक डिटर्मिनेशन बन जाए। सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके अलावा तो जैसे कि मैंने बताया, यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं और वो इस इवेंट पे प्रेजेंट थी, ठीक है? उस तो एक ये नाम याद रख लेना कि एमपी की स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है। उसके अलावा अर्जुन अवार्डी ओलंपियन पद्मश्री सुशील कुमार भी वहां पे थे। उसके अलावा एमपी में जो ओलंपिक फेडरेशन के चेयरपर्सन है वो भी अवेलेबल थे, यानी रमेश मंडोला। और एमपी में जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह, वो भी वहां पे थे। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन राज लक्ष्मी सिंह देव भी वहां पे प्रेजेंट थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एम मोहन राव थे वहां पे, और साउथ स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर के डायरेक्टर एस एल थियोसन, ये सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। अभी ये यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी में ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि एमपी में ओलंपिक फेडरेशन के चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखना रमेश मंडोला। ओलंपिक के प्लेयर जब जीत जाते हैं तो उनका मन डोल जाता है ना, तो ऐसे ही बस इनके चेयरपर्सन का नाम है रमेश मंडोला, ठीक है? एमपी के जो सेक्रेटरी हैं मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, तो वो मिस्टर दिग्विजय सिंह हैं। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं वो राज लक्ष्मी सिंह देव हैं। तो रोइंग यानी ये वाटर स्पोर्ट यानी लहराना, और जो लक्ष्मी होती है वो भी लहराती रहती है, तो राज लक्ष्मी यानी रोइंग फेडरेशन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मोहन राव, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट और यूथ वेलफेयर के, वो उनका नाम है SL थियोसन। ये फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, SL थियोसन, ठीक है? तो स्पोर्ट कौन खेलता है, सन खेलेगा, तो यानी सन से नाम याद रख लेना, SL थियोसन। ये कुछ तरीके हैं जिससे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे तो ये बकवास लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ लेना, सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब इनफैक्ट जो वहां पे उन लोगों ने कुछ स्पीच दी थी तो बस वही स्पीच लिखी हुई है, ठीक है? आप चाहें तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं अपनी मतलब राइटिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी काम हुए थे इस इवेंट के दौरान, जैसे कि जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, पहली तो ये याद रख लेना एशियन गेम 2018 कहां पे हुए थे, जाकर्ता में हुए थे 2018 के
क्या कहते हैं ये जो एशियन गेम्स हुए थे, चलिए ये बताइए जाकर्ता किसकी कैपिटल है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के, जैसे कि आर्चर मुस्कान किरार, मुस्कान किरार को क्या मिला था, ये आर्चरी करती रही हैं, और जो मैंने आपको याद करवाने का तरीका भी बताया, आर्चरी आपका निशाना लग गया तो खुश हो गए, खुश हो गए तो यानी मुस्कान किरार। सेलर हर्षिता तोमर, ठीक है, तो हर्षिता जब आप सेलिंग करते हो तो आपको हर्ष होता है, खुशी होती है, तो सेलर से याद रखना हर्षिता तोमर। हॉकी प्लेयर विवेक सागर, तो जो हॉकी प्लेयर हैं विवेक सागर, ये तीनों लोगों को क्या मिला था, मेडल मिला था एशियन गेम 2018, एशियन गेम 2018 हुए थे जाकर्ता में, तो इन तीनों को भी मेडल दिए गए किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उनको मतलब ऑनररी कैश प्राइज, यानी ये एक तरीके से हो गए स्पेशल अवार्ड, जो मैंने बताया था ना स्पेशल अवार्ड दिए जाते हैं एमपी में, तो इन तीन लोगों को 2018 में स्पेशल अवार्ड दिए गए थे, मुस्कान किरार, हर्षिता तोमर और विवेक सागर। उसके अलावा जो मुस्कान है उनकी डिटेल लिखी हुई है, इनको सिल्वर मेडल मिला था आर्चरी कंपाउंड इवेंट में एशियन गेम्स में, इनको 75 लाख रुपए का इनाम दिया गया था, और इनके जो कोच हैं उनका नाम है रिचपाल सिंह सलारिया, रिचपाल सिंह सलारिया उनको 10 लाख रुपए दिए गए, असिस्टेंट कोच अशोक यादव को 5 लाख। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए रिचपाल सिंह किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट से, स्पोर्ट में भी किससे रिलेटेड है, आर्चरी से, अशोक यादव स्पोर्ट या फिर आर्चरी। और उसके अलावा सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ लेजर 4.7 इवेंट एट एशियन गेम्स 2018, यानी हर्षिता जो हैं उनको क्या 50 लाख का इनाम मिला, उनके जो कोच हैं, उनके जो कोच हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं जीएल यादव, उनको 10 लाख रुपए मिले। असिस्टेंट कोच कौन थे, सुबेदार मेजर पी मंधु एंड मिस्टर अनिल शर्मा, इनको 5 लाख रुपए मिले। तो इन सबके नाम याद रख लेना कि जो सेलिंग वाला सेलर वाला जो काम है वो यानी हर्षिता तोमर को उसके लिए प्राइज मिला था, उनके जो कोच हैं जीएल यादव और असिस्टेंट कोच पी मधु और अनिल शर्मा को भी प्राइज मिला है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया विवेक सागर, उन्होंने हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और जो एमपी से बिलोंग करते हैं, इनको 50 लाख रुपए मिले। उसके अलावा 10 लाख रुपए ओलंपियन अशोक कुमार को दिए गए, ओलंपियन 10 लाख रुपए ओलंपियन अशोक कुमार को दिए गए, हु वॉज हिज चीफ कोच, ठीक है, तो यानी अशोक कुमार इनके कोच थे विवेक सागर के। उसके अलावा एमपी वुमेन हॉकी एकेडमी के जो चीफ कोच हैं परमजीत सिंह और असिस्टेंट कोच वंदना उके, इन दोनों को 10 लाख और 5 लाख रुपए दिए गए हैं। ये सारे नाम आप अपने एक अपने नोट्स बना रहे हुए उसमें लिख लेना, या फिर अगर आपको यहाँ पे याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसकी जो पीडीएफ है वो इंस्टामोजो पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेशल अवार्ड खत्म हो गए। उसके अलावा यहाँ पे आए थे सुशील कुमार जी, उन्होंने भी कुछ बातें बोली, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी याद रखना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है एसएल थियोसन, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनका नाम है मोहन राव, ये दो चीजें याद रख लेना। उसके अलावा जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे तो कौन कौन वहां पे प्रेजेंट था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो काम की बात याद रखनी है वो याद रखना, 2018 में 15 लोगों को एकलव अवार्ड दिए गए, 10 लोगों को विक्रम अवार्ड दिए गए, 3 लोगों को विश्वामित्र अवार्ड दिए गए और कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इन सबके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वैसे तो ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर में बताई चुका हूं, फिर भी एक बार चाहो तो यहां पे देख सकते हो कि क्लब अवार्ड किन 15 लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने एक कंसोलिडेटेड लिस्ट यहां पे अपलोड कर दी है, तो यहां से आप इसको पढ़ लेना। आदित्य पागे, आध्या तिवारी, जानवी श्रीवास्तव, श्रेया अग्रवाल, मुस्कान किरार, नवरम अनिता देवी, राजू सिंह भदौरिया, नम्रता बत्रा, उमा चौहान, निशा ताइडे, उसके अलावा ध्रुवा मुद्रिस, निर्जा राणा, विवेक सागर प्रसाद, आकाश ननीवाल और उसके अलावा परितेश पाल। आगे चलते हैं, विक्रम अवार्ड की बात करें तो हर्षिता तोमर, बीरेंद्र बाथम, प्रणय खरे, अनम बासित, कीर्ति चांदनी, रुकमणि जूही झा और फिर पूजा बस्त्राकर, उसके अलावा भीम सोनकर और सोनू गोलकर। क्लियर है। विश्वामित्र अवार्ड ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज कम लोगों को मिलती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विनोद मिश्रा कायाकिंग, मुत्थम इवोमचा सिंह साइकिलिंग, बच्चा साइकिलिंग याद रखना, घनश्याम चौधरी, ओ चौधरी लोग कबड्डी करते हैं। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुधीर वर्मा बैडमिंटन, ठीक है, सुधीर वर्मा बैडमिंटन इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसके अलावा ये तो हो गए 2018 के। अब मैंने ये जो मैं लेक्चर बना रहा था तो मैंने यहाँ पे 2017, 2016, 2015
में ये जितने भी चारों अवार्ड हैं, एकलव्य, विक्रम, और फिर उसके अलावा आपका विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये लिस्ट मैंने इंक्लूड किया लेक्चर में, पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आप लोग क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना और खुद से पढ़ लेना। अब इसको देखिए, इसको यहाँ पे पढ़ाने का क्या मतलब है, मतलब क्या लॉजिक है। देखिए, पेपर में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि माला खीर जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, पीयूष सिंह जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो अब ऐसा होता है कि एमपीपीएससी का जो प्रिलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 2-3 साल के जो करंट अफेयर होते हैं या जो न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, या स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये देखिए, 2017 में एकलव्य अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था, 14 लोगों को। उसके अलावा 2017 में विक्रम अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, 10 लोगों को, यहां पे आप देख सकते हो। विश्वामित्र अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था, 2 लोगों को, एक है तरुण छावरे और एक है देवेंद्र सिंह खनुजा, इन 2 लोगों को दिया गया था। अगर बात करें प्रभाष जोशी अवार्ड 2017 में किसको दिया गया था, चंद्रशेखर चौहान। ये स्टेट स्पोर्ट है तो इसलिए ये याद होना चाहिए, 2017 में चंद्रशेखर चौहान, और ये किस से रिलेटेड है, स्पोर्ट से, किस स्पोर्ट से, मालखंब से, ये याद रख लेना। जो भी चीज कम होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात याद रख लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 ये लेट प्रभाकर कुलकर्णी को दिया गया था, जो कि क्रिकेट, खो खो और कबड्डी से रिलेटेड है, ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, प्रभाकर कुलकर्णी। तो प्लीज आप ये 2 नाम तो एटलीस्ट याद रख लेना, क्योंकि ये 2017 के ही हैं। पर बात यहां खत्म नहीं होती है, 2016 के भी कुछ अवार्ड हैं। तो ये है 14 लोगों को 2016 में एकलव्य अवार्ड दिया गया था। ये देखिए, जूनियर लोग हैं तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो आपके विश्वामित्र अवार्ड हो गए या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रभाष जोशी अवार्ड हो गया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके नाम याद कर लेना। विक्रम अवार्ड 2016 में 10 लोगों को दिया गया था, आप इनके नाम यहां से देख सकते हैं। उसके अलावा शिखर, ये 2016 में जो विश्वामित्र अवार्ड है वो 2 लोगों को दिया गया था, एक सुदेश संगाठे जो सॉफ्ट टेनिस से रिलेटेड है, और वीरेंद्र पवार जो ताइक्वांडो से रिलेटेड है। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परमजीत सिंह, जो कि हॉकी के कोच है, परमजीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, तो ये बात याद रख लेना। 2015 के भी यहां पे लिखे हुए हैं, तो थोड़े से देख लेना, एक नजर मार लेना कि अगर गलती से कुछ आ जाए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। जरूर बताना मुझे ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप रिव्यू करो, सो देट मैं भी और ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा और ज्यादा अच्छे लेक्चर बनाऊं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके बता देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके बताना। प्लस मैंने आपसे ये भी पूछा था कि ये जो मैं क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड करता हूं, क्या आपको ये अच्छे लगते हैं, मतलब इनको मुझे इंक्लूड करना चाहिए या फिर टाइम वेस्ट लगता है, तो ये बात भी बताना है, या तो कमेंट करके बता देना या लाइक डिसलाइक करके बता देना। ठीक है, तो रिव्यू करना ना भूलें। अब आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कालिदास अवार्ड आपको ये बताना है किस फील्ड में दिया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक या डांस की फील्ड में, थिएटर पेंटिंग या स्कल्पचर की फील्ड में, या फिर दोनों की फील्ड में दिया जाता है, या नन ऑफ द अबव। कालिदास का जो अवार्ड दिया जाता है एमपी में वो किस फील्ड में दिया जाता है, क्लियर हो गया। लता मंगेशकर अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के डायरेक्शन में, प्लेबैक सिंगिंग इन द फील्ड ऑफ लाइट म्यूजिक, या दोनों ऑप्शन ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तीसरा क्वेश्चन आज का, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया जाता है ग्रेट स्कॉलर्स के को ऑनर करने के लिए, मतलब ग्रेट स्कॉलर्स जो हैं इंडिया के उनको रिकॉग्नाइज करते हुए एमपी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, महात्मा गांधी अवार्ड, शिखर अवार्ड, कबीर अवार्ड, या शरद जोशी अवार्ड। ठीक है, महात्मा गांधी अवार्ड, शिखर अवार्ड, कबीर अवार्ड, या शरद जोशी। देखिए, ये चारों के चारों अवार्ड हैं और ये या तो इंडियन गवर्नमेंट देती है या एमपी गवर्नमेंट, पर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अवार्ड एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्लियर हो गए। तो ये तीनों क्वेश्चन के जवाब या तो कमेंट सेक्शन में देना या फिर आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो। क्लियर हो गई बात, चलो अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने लेक्चर डिजाइन किया है उसको मैंने पुराने पेपर की एनालिसिस करके और एमपीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के किया है। जो भी डेटा लिया है वो मैंने इंटरनेट और कुछ रेफरेंस बुक जैसे कि लूसेंट वगैरह या फिर और भी जो बुक्स आती हैं उनसे लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे या तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। प्लस आप जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, एडवाइस करता रहता हूँ, प्लीज आप जो पेपर्स हैं मॉक टेस्ट सीरीज को अटेंड करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज इट इज मस्ट अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना चाहते हैं। उसके अलावा आप ये जो वीडियोस हैं एटलीस्ट उनको 2-3 बार कम से कम देखो। रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है, रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है, तो ये करना ना भूलें। और एकदम बेफिक्र रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस कभी भी आप डीमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, आई होप मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और हमेशा की तरह वीडियो को रिव्यू करना ना भूलें,
रिव्यू करना काफी जरूरी है और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें ताकि जो और भी लोग हैं उनके संग भी उनको भी फायदा पहुंचे। तो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे इसको शेयर करना, यूट्यूब वगैरह पे शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानियां।